Hello friends, welcome back to our YouTube channel. This has been the second part of the video on the lesson Be Smart. So friends, if you haven't subscribed to this channel yet, please subscribe it and click the bell icon to get our latest video updates. So let's get started. Achievable, यानी जो प्राप्त किया जा सकता है. Setting goals that can be completed in the designated period of time. Setting goals, ऐसे गोल सेट करो दैट कैन बी कंप्लीटेड, जो पूरे हो सकते हैं इन द डिजाइनेटेड पीरियड ऑफ टाइम, किसी निश्चित कालावधि में, किसी निश्चित काल में वे पूरे हो सके, ऐसे ही ध्येय अपने सामने रखो. ऑफ्टन दिस गोल्स में एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन्स टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स दैट फर्दर डिफाइन अ करियर. ऑफ्टन, हमेशा, दिस गोल्स में एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन्स, ये जो अचीवेबल गोल्स है वे स्टेपिंग स्टोन बनने का काम करती है, यानी कि पहली पायदान बनने का काम करती है. टू मीट ब्रॉडर गोल्स, जिसके द्वारा बड़े बड़े गोल्स प्राप्त होते. दैट फर्दर डिफाइन अ करियर, यही ब्रॉडर गोल्स जो अपना भविष्य तय करते हैं. एज स्टूडेंट्स वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, अ प्राइम मिनिस्टर, बट कैन होप टू रीच दोज हाइट्स इन फ्यूचर. विद्यार्थी होने के तौर पे हम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, लेकिन भविष्य में उतनी ऊंचाई तक पहुंचने की हम आशा जरूर कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है रियलिस्टिक, वास्तविकता. इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स दैट आर विद इन वन्स करंट स्किल सेट और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज. इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स, ऐसे गोल्स को निर्माण करना महत्वपूर्ण है, दैट आर विद इन वन्स करंट स्किल सेट, जो कि अपने कौशल्य के अनुसार हो, और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, जो अपने क्षमता के अनुसार हो. इसका अर्थ है हमें ऐसे गोल्स को निश्चित करना है जो हमारे स्किल और एक्सपर्टाइज के अनुसार हो. बिल्डिंग एक्सपर्टाइज टेक्स टाइम, किसी भी बात में कुशल होने में समय लगता है. So, expecting to become an expert in a short amount of time is unrealistic. इसलिए कम समय में किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बनने की अपेक्षा ये अवास्तविक है, अवास्तववादी है, रियलिस्टिक नहीं है. Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals. Being realistic will make it easy. Realistic बनना आसान बना देगा. क्या आसान बना देगा? To be successful at attaining goals. यानी कि अगर हम वास्तववादी बनते हैं तो हमारे ध्येय को प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा. If defensive and not aggressive, the goal perhaps lacks realism. हमारा ध्येय अगर डिफेंसिव है, एग्रेसिव नहीं है, तो शायद वह वास्तववादी नहीं है, जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते. We must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere to that picture. We must have the clear picture in mind. अपने दिमाग में अपने ध्येय का clear picture होना चाहिए. And must have the ability to adhere to that picture. और उस ध्येय को पूरा करने की क्षमता भी होनी चाहिए. Smart goals का आखिरी point है time bound. मतलब काल मर्यादा. किसी मर्यादित काल में ही हमें उस goal को पूरा करना है. Establish time parameters around each goal as it will help increase focus and accountability. Establish time parameters around each goal. हर एक गोल के लिए समय का मापदंड निश्चित करना है. As it will help increase focus and accountability. क्योंकि ये जो time parameter है वो क्या करेगा? अपने focus को increase करेगा, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा और हमारी अकाउंटेबिलिटी को भी इंक्रीज करेगा, यानी जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़ाएगा. टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट. वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए यह हमें मालूम होता है, बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन इट नेवर बिकम्स अ रियलिटी. लेकिन समय की पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए अगर कार्य को नहीं किया गया तो हमारा ध्येय कभी भी पूरा नहीं हो सकता, वो रियलिटी में नहीं आ सकता.
इसलिए हमारा जो गोल है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, उसे काल की मर्यादा होनी चाहिए। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट्स। चाहे वो एक्सरसाइज हो, नियमित व्यायाम हो, चाहे वो डाइट हो, नियमित आहार हो, या चाहे वो स्ट्रेस फ्री थॉट्स हो, तनाव रहित विचार हो। ऑल दिस हैव टू बी प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन, डाउट और इनडिफरेंस, बट विद इन अ डेडलाइन। इन सभी बातों का अमल होना चाहिए, उन्हें वास्तव में लाना चाहिए, और वो भी कैसे? विदाउट हेजिटेशन, द्विधा मानसिकता के बिना, विदाउट डाउट किसी भी आशंका के बिना, और विदाउट इनडिफरेंस किसी भी बेपरवाही के बिना, बट विद इन अ डेडलाइन, और वो भी दी हुई अंतिम मुदत के अंदर, दिए गए समय के अंदर, यानी समय की पाबंदी भी होनी चाहिए। विजन्स, विशेष, इंटेंशंस एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल। विजन्स दृष्टिकोण, विशेष इच्छा, इंटेंशंस उद्देश्य एंड ड्रीम्स सपने, ये सब मौल्यवान बातें हैं। दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन एंड एनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वॉन्ट टू रीच। ये जो विजन्स, विशेष, इंटेंशंस और ड्रीम्स जो होते हैं, वे क्या करते हैं? स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन करते हैं, हमारी कल्पना शक्ति को जागृत करते हैं, एंड एनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वॉन्ट टू रीच, और हमें कहाँ पे पहुँचना है, हमें कहाँ पे जाना है, यह तय करने के लिए हमें एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पे डिफाइन मतलब तय करना, डिसाइड करना। In order to get there, however, we need to bring life images down to earth. In order to get there, वहाँ पहुँचने के लिए, we need to bring life images down to earth. अपने मन में जो प्रतिमाएँ हैं, उन्हें down to earth लाने की ज़रूरत है, उन्हें व्यवहार में लाने की ज़रूरत है. And plan to execute our strategies. और हमारे जो strategies हैं, हमारे जो धोरण हैं, उनको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, अमल में लाने की ज़रूरत है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट्स। ऊर्जा की गुणवत्ता और प्रमाण का सीधा असर परिणाम पे होता है, रिजल्ट पे होता है। लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट। अपना जीवन ट्रम्पेट के जैसा है। इफ वी डोंट पुट एनीथिंग इन, We can't get anything out. अगर हमने उसे कुछ दिया नहीं तो हमें भी कुछ मिलने वाला नहीं, यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ करना ज़रूरी है। अगर उस ट्रम्पेट में हम फूंक मारते हैं तो बाहर धुन निकलती है। इसी तरह हम कुछ करते हैं तो हमें कुछ मिलता है। सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क। सक्सेस कामयाबी यानी अंधेरे में चलने जैसा है। Finding the right footing, precisely mastering the skills and getting to the next place all depend on how we approach and tackle the problem. Finding the right footing, सही कदम को पहचानना, precisely mastering the skills, skills को आत्मसात करना, and getting to the next place, और आगे चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, all depend on how we approach and tackle the problem. ये सब हम प्रॉब्लम को किस तरह टैकल करते हैं या प्रॉब्लम को किस तरह अप्रोच करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड होता है, उसके ऊपर निर्भर होता है। टैकल मतलब हैंडल करना, और अप्रोच मतलब नज़दीक जाना, उनके सामने जाना, उनको फेस करना। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू बी इज टू फाइंड द फुटिंग ऑफ अवर नेक्स्ट स्टेप। हम जहाँ पे है और उस जगह से जहाँ पे जाना चाहते हैं, उसका सबसे बेस्ट वे है, वो है टू फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप। हमारा अगला कदम सही दिशा में होना, ये हमारे ध्येय तक पहुँचाने वाला बेस्ट वे है, सबसे अच्छा मार्ग है। व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, इट शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक। जब हम अगला कदम उठाते हैं तो उस कदम ने हमें सपोर्ट करना चाहिए,
हमें आधार देना चाहिए, किसी नुकसान के बिना हमें टिका के रखना चाहिए, हमें होल्ड करना चाहिए, यानी कि इस तरीके का हमारा अगला कदम होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।